हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल टेक्नोलॉजी गुरु। तो दोस्तों, फर्स्ट जनवरी में जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसे तो आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन में शो हो रहा होगा, या फिर अगर नहीं शो हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो उस वीडियो का पार्ट टू है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, उस वीडियो का पार्ट टू है इस वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उस वीडियो में तो मैंने आपको बता ही दिया था किस तरीके से रजिस्टर करना है, किस तरीके से लॉगिन करना है, किस तरीके से फ्री टास्क, एक्टिव टास्क कंप्लीट करना है। ये सारी बात मैंने तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन एक बात जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की वो था इस ऐप का सिस्टम और रूल रेगुलेशंस। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं उसे ही बताने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, जब आप उसमें लॉगिन करेंगे तो आपको 50 गिफ्ट पॉइंट्स ऐड होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, जब आप उसमें लॉगिन करेंगे तो उसमें 50 गिफ्ट पॉइंट्स ऐड होगा। तो दोस्तों, आप खुश मत होइए, उस 50 गिफ्ट पॉइंट को आप रिचार्ज नहीं कर सकते या फिर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपको रिचार्ज के लिए पैसा चाहिए तो आपको एक्टिव टास्क कंप्लीट करना होगा, और अगर आपको एक्टिव टास्क कंप्लीट करना है आपको 124 रुपीज पे करना होगा। तो दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि यार 124 रुपीज में हम कितने दिनों ऐसे एक्टिव टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, 124 रुपीज में आप पूरा 1 ईयर तक एक्टिव टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 124 रुपीज में आप पूरा का पूरा एक साल तक आपका एक्टिव टास्क कंप्लीट करके रिचार्ज का पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल वर्थ है। अगर आपका 124 रुपीज में पूरा का पूरा 1 ईयर तक का रिचार्ज का पैसा निकल जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये फेक एप्लीकेशन है, दोस्तों नहीं है, 100% रियल है। मैंने भी 124 रुपीज पे किया था और आपको पिछले वाले वीडियो में तो मैंने प्रूफ दिखा ही दिया था कि कैसे मेरा रिचार्ज भी सक्सेस हो गया। तो दोस्तों, जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो 50 गिफ्ट पॉइंट ऐड होगा, वो तो मैंने बता दिया। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टास्क की तरफ। तो दोस्तों, जब आप मान लीजिए आज है 5 जनवरी, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप 5 जनवरी का टास्क कंप्लीट नहीं करते तो दोस्तों 6 जनवरी का भी आपका जो पैसा है टास्क कंप्लीट करने के बावजूद भी नहीं मिलेगा, और ठीक 7 जनवरी में आपका पैसा आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप आज टास्क कंप्लीट नहीं करते तो कल टास्क कंप्लीट करने के बाद भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अगर इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा रेगुलरली टास्क कंप्लीट करना जारी रखिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में अगर एक दिन टास्क कंप्लीट नहीं करते तो उसका जो मतलब उसके बाद भी आपको पैसा नहीं मिलता, तो इसलिए आप हमेशा टास्क कंप्लीट करते रहिए। तो दोस्तों, ये सब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था जो लाइफ टाइम बैलेंस मनी, यूटिलिटी वॉलेट, ये सब क्या है। दोस्तों, ये सब का चक्कर क्या है, अब हम इस वीडियो में ही सुलझाएंगे, लेकिन उसे सुलझाने के लिए हमें अपने फ़ोन के स्क्रीन पर चलना होगा। तो जल्दी से हमारे फ़ोन के स्क्रीन पर चलते हैं। देख सकते हैं, हम हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, यहाँ पर है लाइफ टाइम अर्निंग, करंट कैश मनी, लाइफ टाइम बैलेंस मनी, IMPS वॉलेट, लाइफ टाइम अर्निंग, करंट गिफ्ट पॉइंट, करंट बैलेंस मनी और यूटिलिटी वॉलेट। तो दोस्तों, ये सब क्या है, ये सब का मामला क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। देखिए, पहले तो आता है लाइफ टाइम अर्निंग। तो दोस्तों, ये जो लाइफ टाइम अर्निंग, ये दोनों का सेम है, लेकिन एक क्या है, यहाँ पर है कैश मनी, यहाँ पर है गिफ्ट पॉइंट। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि यहाँ का जो पैसा है, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था, यहाँ पर 50 रुपीज़ ऐड होगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये गिफ्ट पॉइंट को किसी भी काम का नहीं है, हमारा सारा मुट्ठी में जो पैसा है वो है इस कैश मनी का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप जब पहली बार टास्क कंप्लीट करेंगे ना, यहाँ पर 6 रुपीज़ करके 6, 12, उसके बाद 18 रुपीज़ इस तरीके से ऐड होता जाएगा, ठीक है।
लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर आपका लाइफ टाइम अर्निंग 224 रुपीज हो जाएगा ना, आप देख सकते हैं 224 रुपीज जब हो जाएगा, तब ये जो यूटिलिटी वॉलेट है आप देख सकते हैं मेरा 41.40 रुपीज अभी तक हैं। तो दोस्तों मैंने तो रिचार्ज कर लिया था, लेकिन जैसे ही आपका यहाँ पर 224 रुपीज होगा, यहाँ पर आपका 190 रुपीज ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यूटिलिटी में 190 रुपीज ऐड होगा, ठीक है। तो दोस्तों 190 रुपीज ऐड हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जब 190 रुपीज ऐड हो जाएगा, मान लीजिए आपका यहाँ पर 225 रुपीज हो गया, ठीक है। अगर आज 224 रुपीज हुआ तो उसके मतलब जो नेक्स्ट डे है वह उसके नेक्स्ट डे पे यहाँ पर यूटिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 225 रुपीज हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर तो GST 35 रुपीज लेके यहाँ पर जो यूटिलिटी वॉलेट है यहाँ पर तो 190 रुपीज ऐड हो जाएगा 35 रुपीज GST कट के, लेकिन जो एक रुपीज रह जाएगा ना, 225 रुपीज हैं जो एक रुपीज रह जाएगा वो ये करंट कैश मनी में ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरा करंट कैश मनी 19.80 है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि मैं अभी शुरू कर रहा हूँ इसीलिए ऐसा है, नहीं दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे भी लिखा है 247। ये सब मामला क्या है मैं समझा देता हूँ, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आज तक का मेरा जो कमाई है वो है 491.40 रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पर जब मेरा यूटिलिटी में 190 रुपीज आया तो यहाँ पर फिर से मनी ऐड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी मेरा 200 या 300 रुपया हो जाने के बाद फिर से यहाँ पर चला आया, देख सकते हैं लाइफ टाइम बैलेंस मनी, मतलब मेरा अभी भी इतना पैसा है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर 200 या 300 रुपये करंट कैश मनी में मेरा हो गया ना, तब क्या हुआ आप देख सकते हैं मेरा लाइफ टाइम बैलेंस मनी को सारा पैसा चला आया और यहाँ फिर से 6-6 रुपये से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये IMPS मनी कुछ नहीं है दोस्तों, आप तो सारा मामला समझ ही गए, यूटिलिटी वॉलेट क्या है सब कुछ तो आप समझ ही गए। अब चलते हैं हमारे रिचार्ज कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अब अपना वॉलेट को चलता हूँ, तो आप देखना कि क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर उनती गिनती स्टार्ट हो गई है, अब देखना क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो वो ऐड आ गया, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा कट कट के जा रहा है, जब कट जाएगा इस तरीके का निशान आया, एक बार क्लिक करेंगे तो ऐसा, फिर से क्लिक करेंगे तो ऐड डिलीट। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 6.60 यस्टरडे मैंने पाया है। दोस्तों अब आप बोलेंगे यार एक दिन में ये 6 रुपया देता है लेकिन तुम्हें 6.60 रुपीज कैसा मिला। तो दोस्तों मैं बता दूँ, मैंने अपने एक फ्रेंड तो नहीं, मैंने वीडियो के पहले से ही बता दिया था कि मैं 2 अकाउंट्स चला रहा हूँ, अगर नहीं तो अभी जान लीजिए क्या हो रहा है कि मैंने जो सेकंड अकाउंट चला रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है कि मैंने इस जो स्पॉन्सर नंबर में मेरा ही नंबर दे दिया है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जब मैं उसमें टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ वहाँ पर भी मुझे 6 रुपया मिल रहा है और उसका जो प्रॉफिट है मुझे भी 60 पैसा मुझे ही मिल रहा है। यहाँ इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं 6.60 लिख रहा है। आज का टास्क मैंने कंप्लीट नहीं किया है इसलिए पैसा नहीं आ रहा है, मैं शाम तक कर देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं कि रिचार्ज कैसे करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी और बंद भी हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है रिचार्ज एंड यूटिलिटी, ठीक है दोस्तों, रिचार्ज एंड यूटिलिटी लिखा है, मनी ट्रांसफ़र एड मनी ये सब कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सब आपका काम का नहीं है। आपका काम है रिचार्ज एंड यूटिलिटी बिल पेमेंट्स। तो जल्द से जल्द हम इसे क्लिक कर देते हैं, देखिए फिर से उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। अब क्या होता है देखिएगा दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पर रिचार्ज हिस्ट्री,
और डिस्प्यूट रिक्वेस्ट, प्रीपेड मोबाइल, पोस्टपेड मोबाइल, लैंडलाइन बिल, डीटूएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग, मतलब देखिए दोस्तों, आप एक एप्लीकेशन से कितना काम कर सकते हैं। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ डायरेक्टली रिचार्ज हिस्ट्री पे चल के, आप देख सकते हैं रिचार्ज हिस्ट्री। तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, गलती से बैक हो गया, हम फिर से रिचार्ज हिस्ट्री पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो फेल लिख रहा है इसका फंडा मैं आपको समझा देता हूँ, वरना आप बोलेंगे कि ये फेक एप्लीकेशन है। तो दोस्तों देखिए, जो ये जो फेल बता रहा है ना, आप देख सकते हैं वीडियो कॉल डीटूएच का मैंने एक रिचार्ज किया था, आप देख सकते हैं वीडियो कॉल डीटूएच, ठीक है। तो मैंने क्या किया, गलती से क्या किया, मैंने अपना आईडी जो चैनल जो मेरा आईडी है उसे ना देकर मैं अपना फ़ोन नंबर ही दे दिया, तो इसलिए यहाँ पर देखिए बार बार फेल बता रहा था। मैंने जब ये एप्लीकेशन के मतलब एप्लीकेशन के ओनर से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपने ये आईडी नहीं दी। और बात रही दोस्तों ये रिचार्ज की, ये क्यों फेल लिख रहा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 11:46 AM में मैंने किया था, प्रोसेस होके फेल हो गया, ठीक है। क्योंकि मैंने देखिए दोस्तों, एयरटेल का कोई 150 का प्लान होता ही नहीं, आप देख सकते हैं 150 का कोई प्लान होता ही नहीं, और मैंने 150 का प्लान किया था इसीलिए ये फेल बताया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 149 ही मैं जैसे ही किया सक्सेस, आप देख सकते हैं मैंने क्लिक सक्सेस लिखा रहा है, आप देख सकते हैं सारा कुछ आपके सामने ही दोस्तों, पूरा प्रूफ आप देख सकते हैं। और इसमें ऐसा भी सिस्टम है कि 20 मिनट के बाद आप अपना पैसा बैक भी पा सकते हैं, अगर आप गलती से भी रिचार्ज कर दिए तो भी आप पा सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा रहा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी बैक जा रहा हूँ, और दोस्तों मैं जो ये 150 का रिचार्ज किया था फेल, एयरटेल की तरह से फेल हो गया था, मैं उसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं डायरेक्टली पूरा लाइव प्रूफ, दोस्तों लाइव प्रूफ में डायरेक्टली जाऊंगा मैसेज से मैं, और यहाँ पर जो एयरटेल का रिचार्ज है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो दोस्तों थोड़ा सा सबर करिए, मैं अभी निकाल रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर तो थोड़ा सा मतलब मैं उस मैसेज को ढूंढने में परेशानी हो रही है, मैं डेट देख लेता हूँ 23, तो 23 दिसंबर, तो चलिए डायरेक्टली 23 दिसंबर पे चलते हैं। यहाँ 23 दिसंबर ये रहा, तो दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके बाद में मैं दिखा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने तो उस मैसेज को नहीं पाया, लेकिन मैं आपको वो एयरटेल थैंक्स ऐप में जाके डायरेक्टली प्रूफ दिखा देता हूँ, वरना आप बोलेंगे कि फेक एप्लीकेशन है, मैं इसलिए डायरेक्टली एयरटेल थैंक्स ऐप में जाके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए जो रिचार्ज हिस्ट्री कहाँ पर है हम देख, ये रहा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, दोस्तों देख लीजिए ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 149 का एक पैक रिचार्ज हुआ है और 297 का एक पैक भी रिचार्ज हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया कि इस एप्लीकेशन बिल्कुल भी फेक नहीं है, 100% रियल है, और मैं आपको समझा भी दिया। अगर आपको इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो थैंक्स दोस्तों,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू। आपने तो इस वीडियो को देख ही लिया, आई थिंक आप सब समझ भी गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, और ताकि हम आपके लिए इस तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो चला पाएं। एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, इसलिए फटाक से एक लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।